पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ वार्तालाप करने का मौका मिल रहा है। हालांकि मेरी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी आपके साथ चंडीगढ़ में, जब ड्रग फ्री इंडिया की कैंपेन चला रहे थे। आप ही का इनिशिएटिव था और चंडीगढ़ में आपसे छोटी सी मुलाकात हुई थी। और हाँ, फिर मैंने सोचा था कभी आश्रम जाके आपके साथ मुलाकात होगी, और पता नहीं था गुरुजी आप भी ऑनलाइन हो जाएंगे। देखिए समय का खेल कैसा मैं है। तो ऑनलाइन में ऑनलाइन रहता हूँ में हमेशा ऑनलाइन में मैंने रहता सबसे हूँ। पहले मैंने तो हाँ बोलो बोलो। जी जी गुरुजी, हाँ बस बस आपकी दुआ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम भी थोड़ा सा लाइन में आ जाए। गुरुदेव मैंने ना पहली बात तो ये, मैं आज आपसे मुलाकात हो रही है और आपसे बातें कर रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बात नहीं की है। तो मेरे दोस्तों के साथ ही मेरा वार्तालाप चलता रहता है, और मेरे दोस्तों का ये मानना है कि मैं सबसे कामयाब व्यक्ति हूं अपने सर्कल में। बाकी आप समझ सकते हैं कि मेरे दोस्त कैसे होंगे। तो गुरुदेव मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुरुदेव जब आपसे बात करनी है तो हमें हम बहुत कुछ सोच रहे थे कि मैं आपसे क्या पूछूं। मैंने अपने बहुत सारे दोस्त मित्रों को, जिनको मैं समझदार मानता हूँ, उनको मैंने बोला कि मेरी गुरुजी के साथ ऐसे चैट हो रही है तो मुझे कुछ सवाल भेजिएगा, जो उन्होंने भेजे भी हैं मैं वो आपसे भी माने पूछूंगा। तो गुरुदेव मेरा एक आज सवाल है आज तुम्हारा सवाल भी उदार है। जी गुरुदेव, कुछ उनके भी सवाल हैं कुछ मेरे भी हैं। और अच्छा सबसे पहले तो अच्छा गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें आपसे सवाल पूछने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, आपको जवाब देने के लिए भी तैयारी नहीं करनी पड़ती। गुरुदेव हम उस अवस्था में कैसे आ सकते हैं? वो तो आप और करी, गुरुदेव आप मैंने करते ही हो, हंसाते हो, हंसते हो, हंसाते हो। मैं यही कहता हूँ, हंसो और हंसाओ, मत फंसो और मत फंसाओ, ये हमारा लाइन है। गुरुदेव एक बड़ा, मेरे दोस्त हैं एक हमारी टीम में ही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरु, हालांकि ये सवाल थोड़ा फनी सा है, पर हाँ बोलते हैं कि हमारे समाज में अक्सर जो आदमी होता है शादी के बाद उसके नाम के आगे श्री लगाया जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उनके आगे श्रीमती लगाया जाता है। आपके नाम के आगे सही, गुरुदेव 2 बार श्री श्री इसका लगता है, मतलब 2 बार शादी भी नहीं हुआ ऐसा नहीं आपका है भाई। आप हरिद्वार वहां जाओ, सब संतों के सामने 108 श्री होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 108 बार उन्होंने शादी कर ली हो नहीं, मैंने कहा 3 बहुत ज्यादा है, 2 में ही काफी है। जी। गुरुदेव मैं जैसे आपके बारे में जितना भी मैंने सुना या समझा, हालांकि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन काफी छोटी उम्र में ही आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है आपका ध्यान लग गया। हालांकि गुरुदेव हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जब यू नो बचपन में हमारा बचपन गुजरता है तो हमारे माँ बाप को हमसे ज्यादा चिंता होगी है कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, पढ़ाई में कैसा रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग जब नौकरी ढूंढते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना यू नो गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं, उसके बाद जाके ये चीजें हमारे दिमाग में आती हैं कि हाँ हमें ईश्वर को ध्यान करना चाहिए, हमें यू नो हमें पूजा पाठ करना चाहिए। शायद बहुत सारी चीजें हम उस वक्त तक देख चुके होते हैं लाइफ में, तब जाके ये ध्यान में आता है कि हमें भी ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन आप इतनी छोटी उम्र में गुरुदेव आप इस रास्ते पे चल पड़े, आपके दिमाग में उस समय क्या आया था गुरुदेव? नहीं भाई, यही मुझे मुझे तो स्पिरिचुअलिटी नॉर्मल लगता था, ये हमारा स्वभाव अच्छा है। जी, हाँ जैसे उसके बिना तो जल के बिना मछली लगती थी, तो नेचुरल लगता था हमको तो। लेकिन गुरुदेव जैसे हम अभी मैं ना बीच बीच में योगा करता रहता हूँ प्रैक्टिस, और योगा सेशन जब खत्म होता है तो उसके बाद वो बोलते हैं हमें ध्यान करने के लिए, तो जैसे वो हमें बोलते हैं कि आप सब कुछ भूल जाइए, तो गुरुदेव पता नहीं क्यों उसी वक्त सारी चीजें याद आने लगती हैं। मैंने ना एक मूवी देखी थी गुरुदेव, मैं एक सीन शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। उसमें एक औरत होती है, एक पंजाबी मूवी थी, तो वो औरत किसी बाबा के पास जाती है, बोलती है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो उनको एक दवाई देते हैं, तो बोलते हैं कि ये दवाई आप खाइए, लेकिन ये दवाई खाते वक्त आप याद रखना कि आपके दिमाग में बंदर नहीं आना चाहिए। और वो जैसे ही औरत वो दवाई खाने लगती है तो उसको याद आता है कि बाबा जी ने क्या कहा था, बंदर दिमाग में नहीं आना चाहिए, तो बंदर उसी समय दिमाग में आ जाता है। मुझे लगता है ये जो हमारा दिमाग है गुरुदेव, इसको जितना कहा जाए कि ये चीज नहीं सोचनी है, जैसे हम लोग दूसरों को तो ये कह देते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए,
लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो ये सारी चीजें हम खुद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, जो चीजें हम चाहते हैं कि ना हो वो दिमाग उसी तरफ से क्यों लेके जाता देखो है? ये मन का ये प्रिंसिपल ही यही है कपिल, हम जिसको रेजिस्ट करते हैं, जिसको नहीं सोचना सोचते हैं, वही क्या लाएगा ध्यान। ऐसा नहीं दूसरा चीज़ें सोचना नहीं चाहिए ध्यान में, मैं ये कहूँगा कि जो भी ख्याल आते हैं आने दें उसको, सबको जप्पी लगा लें, वो जप्पी जादू की जप्पी हो जाएगी, वो सब गायब भी हो जाएंगे। जितने भी ख्याल, कोई अच्छे ख्याल हो बुरे ख्याल हो, उन सबको आप पंजाबी जप्पी दे दो, तब देखना वो ख्याल सब ऐसे ऐसे हटके आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। शुक्रिया गुरुदेव, मैं ये ट्राई करूंगा, जो आएगा ख्याल आने दूंगा उसको, फिर उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। जी बिल्कुल गुरुदेव, अगर वाकई बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम पॉजिटिविटी ढूंढें तो हर जगह है, और नेगेटिविटी ढूंढें, लेकिन गुरुदेव फिर भी हम अपने अपनी लाइफ में हम सब पॉजिटिविटी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो नेगेटिव चीजें होती हैं ये क्यों अट्रैक्ट करती है इंसान को? जैसे आप अगर कहीं न्यूज चैनल भी देखें तो नेगेटिविटी बहुत बिकती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक चीजें हों, फिर ये नकारात्मक चीजें जो होती हैं ये क्यों अट्रैक्ट करती हैं, ये क्यों बिकती हैं? यही तो चैलेंज है, नकारात्मकता इतना देखते हैं, यही चैलेंज है, इससे ऊपर उठना है, इसे ये चुनौती है हमारे लिए। अब देखो बच्चों में ऐसी नहीं वो बात होती है, बच्चों में हमेशा पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तो हम थोड़ा नेगेटिव की तरफ दिलचस्पी लेने लगते हैं, पर ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, बाद में थक जाते हैं, नेगेटिव सुन सुन के लगता है अरे भाई बहुत हो गया। अब देखो आप कितना न्यूज़ देखते हो, ज़्यादा तो देखते नहीं हो आप ना, थोड़ी देर देखते हो फिर लगता है अरे बंद करो। इसीलिए इसीलिए कपिल की शो लोग पसंद करते हैं, क्यों, ज्यादा नेगेटिव देख देख के उनका दिमाग फिर देखते हैं कपिल का हो तो थोड़ी देर देखेंगे भाई, कुछ हंसेंगे कुछ मस्त रहेंगे, तो ये अंदरूनी ये एक कुदरती चीज है ना हम लोगों की, खुश रहना मस्त रहना, लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, और बिल्कुल जैसे गुरुदेव पॉजिटिविटी की बात कर रहे थे, अच्छा हमारे देश में क्रिएटिविटी इतनी है गुरुदेव, मैं कल देख रहा था न्यूज में ही कि शराब के ठेके खुले गुरुदेव, और इतनी लंबी लंबी कतारें मैंने देखी, मैंने देखा कि अगर कहीं पे कोई खाना बट रहा हो तो शायद इतनी लंबी लाइन और इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी, लेकिन गुरुदेव उन्होंने उसमें भी क्रिएटिविटी ढूंढ ली। शराबी लोगों का ये कहना है कि आप देखिए देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हमारा कितना बड़ा हाथ है, तो उसके ऊपर जोक्स बन रहे हैं, लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि यार जो लाइन में सीधे खड़े नहीं रह पा रहे हैं उनका देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने में क्या हाथ हो सकता है, पर हाँ पॉजिटिविटी निकाल ली गुरुदेव उन्होंने और क्रिएटिविटी नहीं, वो बॉटल खरीदने तक लाइन में सीधा खड़े रहते हैं, बॉटल हाथ में लगने के बाद लाइन नहीं चलती उनके हाँ गुरुदेव, पर मैंने बड़ी बार देखा है जैसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं वो कॉन्फिडेंट बड़े हो जाते हैं, और ये कॉन्फिडेंस की कॉन्फिडेंस बिना शराब पिए कैसे आ सकता है गुरुदेव? वो दूसरी तरह की नशे होते हैं ना, मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से, या देश में देश के प्रति इतना प्रेम हो जाने से वो आती है ऐसे। फिर हमारे देखो अभी डॉक्टर्स को देखो, हमारे डॉक्टर्स है, हमारे अभी जो COVID-19 में जो वर्कर्स है उनमें उत्साह देखो तो सही, कैसा कितना उत्साह है उनमें, एक पॉजिटिविटी है, वो लोग जी जान लगा के अपने जान का परवाह ना करके लोग सेवा में लगे हुए हैं। जी गुरुदेव, और एट द सेम टाइम गुरुदेव ऐसी न्यूज भी देखने को मिलती है कि जैसे बॉर्डर पे अभी हमने देखा गोलीबारी हुई, हमारे कुछ जवान शहीद हुए, तो मैं सोचता हूँ कि कभी कभी ये जो इस समय जो भी हालात चल रहे हैं, सो हम सब कहीं ना कहीं, जो कि ज्यादा लोग रोज मंदिर मस्जिद शायद नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका ध्यान बढ़ा है कि नहीं यार जिंदगी में जिंदगी कभी भी आपको धोखा दे सकती, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपकी ये सब चीजें जो हैं वो खुशियां जो हैं वो छूट सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान गुरुदेव अभी भी नेगेटिविटी की तरफ है, अभी भी वो जो मानवता के खिलाफ जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, पता नहीं इन लोगों को ये लोग कब समझेंगे गुरुदेव, उनको कब एहसास होगा कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
वो लगातार इनको बताते रहना पड़ेगा। क्या ये थोड़ा होश जगाना जो है ना, एक बहुत बड़ा काम है। तो होश जगे लोगों में, सिर्फ जोश में रहने से नहीं बनेगी बात, होश को जगाने वाली कोई ज़्यादा काम नहीं हो रही, यही एक बात है देश में। तो उनको होश आ जाए, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कैसे इस नकारात्मक चीज़ से निकलें और इसका नतीजा क्या है, इस बारे में सोचने लगे तो वो काम होने लगेगा। इसीलिए तो हम लोगों को सब प्रयत्न रहेगा, इस तरह से हमको कोशिश करते रहना पड़ेगा। आप भी सबको बताते रहे हो, अभी आपने वो ड्रग फ्री इंडिया के बारे में आपने भी बहुत बोला ना उस दिन वहाँ चंडीगढ़ में, तो इससे लोगों को ज़रा होश तो बढ़ जाती है ना। उसके बाद ना लाखों युवा देश भर में ना पिएंगे, ना ड्रग्स लेंगे, ना लेने देंगे, ये शपथ लिया। और मुझे पूरा यकीन है बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं उसको। जी जी गुरु जी, और उम्मीद करते हैं गुरु जी, यहाँ बिल्कुल लोग जो हैं वो सही रास्ते पे आए और ये दुनिया जो है और खूबसूरत हो जाए। बहुत खूबसूरत है, भगवान ने पहले ही बनाई। अच्छा गुरुदेव, एक और चीज मन में आती है, जब हम कहते हैं कि ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, कि मुझे मेरी जितनी समझ है, गुरुदेव बहुत छोटा है, दिमाग का मालिक हूं मैं, लेकिन मुझे फिर ये कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं कल एक न्यूज में देख रहा था गुरुदेव, कोई बीवी बच्चे थे, बीवी बच्चों के साथ, 3 बच्चे थे उनके, और वो पैदल अपने गांव की तरफ चले जा रहे थे। फिर मुझे लगता है कि जब ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो किसी के पास जरूरत से ज्यादा क्यों है और किसी के पास जितना खाने को चाहिए उतना भी क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखो यहाँ ये लेन देन की दुनिया है, किसी के पास है देने के लिए, किसी को लेना भी पड़ेगा, है ना। तो जो जिनके पास है उनको मन भी दिया, इनको दे दो, औरों को दे दो। यदि सब, यदि ईश्वर तो कम्युनिस्ट नहीं है ना भाई, ईश्वर कम्युनिस्ट तो नहीं है सबको एक साथ बना दे। ईश्वर तो डायरेक्टर है मूवी के, तो मूवी में सब तरह की रोल्स होते हैं हमारे यहाँ, पात्र है ना। तो यहाँ हीरो भी होते हैं, विलन भी होते हैं। हम विलन क्यों हैं ये पूछने से क्या करें, ऐसी बहुत सी सवाल है ईश्वर को पूछने के लिए। जी आप गुरुदेव, हमारे लिए तो ईश्वर आप क्या ही हैं, बिकॉज हम आपसे, बिकॉज जितना आपको ज्ञान है, जितना आपने देखें दुनिया को समझा है, जितना आपने ईश्वर को समझा है, तो हम तो आपसे भी सवाल पूछ पा रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है गुरुदेव। और मैं आप अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपसे इस समय बात कर पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए गुरुदेव। जैसे ना मैंने मैंने बहुत सारी चीजों में पर्सनली, जो मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो जिनमें मुझे हाँ लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। शायद पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था गुरुदेव, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो हाँ अब गुस्सा वो करती है, मैं नहीं करता हूँ, हालांकि प्यार भी बहुत करती है गुरुदेव। हम हमेशा सुनते आए ना कि मोह माया जो होती है, वो मोह माया का त्याग करना चाहिए। तो गुरुदेव मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है, लक्ष्मी बोलते हैं हम, हमारे कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि जो बेटी जन्म लेती है तो हाँ लक्ष्मी का रूप होती है। तो गुरुदेव मुझे, मेरा दिल करता रहता है कि मैं उसको देखता रहूं, मुझे बहुत प्यार आता है उसपे। तो ये मोह, अब ये मोह मुझे तो अच्छा लगता है, पर फिर भी कहते हैं कि मोह जो होता है वो गलत होता है। तो ये गुरुदेव गलत है बात या सही है कि मुझे, मैं ये मुझे देखो मेरी, देखो देखो ये प्रेम अनुराग अलग होता है, मोह माया अलग होती है। तो ये तो प्रेम तो होना चाहिए, ये सहज है, नहीं होता तो बड़ा मुश्किल। बाप को यदि बेटी को देख के प्रेम नहीं होता, यदि ऐसा नहीं लगता है कि एक अनुराग नहीं जागता, ममता नहीं जागती, तो कुछ गड़बड़ है। तुम सही हो, ठीक हो, ये सब बातें मत सुनो, ये सब ठीक बातें मत सुनो। है। तो मैं इसलिए चेक करना चाहता था कि मैं मैं सही हूं सही हो, या सही गलत हो, हूं। सही हो, सही हो, ठीक हो, बराबर ठीक हो। शादी हुई ना तो 1 साल तो मेरी और मेरी पत्नी की बातें बड़ी होती थी, अब जितनी भी बातें होती है ना वो सारी बच्चे के सेंट्रिक होती हैं। तो फिर मैं, अच्छा फिर मैं कभी कभी ऐसी चीजें सोचता हूँ गुरुदेव, जब मुझे लगता है कि अच्छा ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, हालांकि ये बात की बातें हैं, 20 25 30 साल बाद जब भी होगा, पता नहीं ऐसे ख्याल आते रहते हैं, हाँ ये या मैं मोह बात कर माया, चुके हूँ पता नहीं। ये मोह माया 25 साल की बाद की चिंता करना मोह माया है, इसको छोड़ना चाहिए। अभी इस वक्त पूरा ध्यान उसको दो और
यू नो अनुराग और प्रेम जो है जीवन का एक अंग है, ये होना ही चाहिए। हाँ तो फिर मैं ठीक हूँ, एकदम ठीक हो आप एकदम सर्टिफाइड पूरा। अच्छा गुरुदेव एक चीज और, मैंने जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं या अध्यात्म में जो मानते हैं वो हमेशा ये एक बात कहते हैं, घर गृहस्थी से दूर रहते हैं गुरुदेव वो, तो ऐसा उनको क्यों लगता है कि, ऐसा लगता है कि ये जो घर गृहस्थी है ये बाधा आ सकती है उनके स्पिरिचुअल जीवन में, या उनको ये लगता है कि हमारे जो सारे तर्क हैं वो बीवी के तर्कों के आगे जो हैं वो फेल हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है गुरुदेव? नहीं देख सॉरी गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, बस ऐसे मन में विचार आ रहे हैं। नहीं देखो चार तरह के लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हैं, क्यों जो दुखी होते हैं वो लोग जाते हैं, जो बहुत दुखी हैं जीवन में तो वो खोज करके जाते हैं, दूसरे हैं जिनको कुछ मतलब की चीज़ चाहिए जीवन में, कुछ देखना है जीवन का अर्थ क्या है, जिज्ञासु लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जो ज्ञानी हैं, और जो मिलता है जब मिल जाती है सब प्रश्नों का उत्तर फिर वो समाज में आके काम करने लगते हैं। तो भगोड़ी को ये सब छोड़ के भागना नहीं है, सन्यासी वो होता है, साधु वो होते हैं जिनके लिए पूरा दुनिया अपना परिवार हो जाता है। तो ये देखो आप, तुम्हें तो एक परिवार का एक गृहस्थ एक परिवार संभालता है, एक बेटी है, एक सन्यासी पूरी दुनिया के जितने बच्चे हैं उन सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए खदर करते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी से भागना वो नहीं है, साधु महात्मा नहीं है, स्वामी नहीं, अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए छोटे जिम्मेदारी नहीं लेते, बस यही है बात। जी गुरुदेव, हाँ जी गुरुदेव, जैसे मेरी जो पत्नी है गुरुदेव, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, क्योंकि वो भी इस समय चैट सुन रही है गुरुदेव। अच्छा उसको, वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है, उसको मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान भी लगता हूँ, कमियां भी गुरुदेव वही मेरे में ढूंढती है भी, वैसी बात नहीं है गुरुदेव, ऐसा कोई मंत्र है कि जिससे मैं वो जब भी मुझे मिले वो मेरी तारीफ ही करे कि वाह तुमसे बढ़िया कोई नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है गुरुदेव? वो तभी होगा जिस दिन पश्चिम में सूर्य उदय होने लगेगा। मैं समझ गया गुरुदेव। अंग्रेजी में एक कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन हु सेज ही इज रॉन्ग। गुरुदेव कहते हैं कि एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और एक अनसक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत सारी औरतों का हाथ होता है, ये भी मैंने कही सुना था। अच्छा गुरुदेव एक मेरे और दोस्त का एक सवाल था, उनका ये पूछना था कि सफल जीवन के मायने क्या है या एक सफल व्यक्ति कौन है। जैसे गुरुदेव मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरे मेरे मन में इतना ही था कि मैं मेरे पिताजी पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल थे, और मेरे मन में यही था कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जो पिताजी को कैंसर हो गया, मेरी मम्मी का जो रीढ़ की हड्डी का बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो घर में ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे उस समय गुरुदेव यही दिखता था कि शायद हमारी लाइफ में जो है वो पैसा ही है जो हमारे हालात ठीक कर सकता है, हालांकि ऐसा नहीं था, पर एक टाइम के बाद गुरुदेव सब ठीक भी हो गया, मैंने अमृतसर में भी अपना घर लिया, मुंबई में भी अपना घर है, सब ईश्वर की कृपा है, लेकिन फिर भी बीच में कुछ एक ऐसा फेस आया था जिसमें मैं बहुत दुखी हो गया था गुरुदेव। आज अगर उन चीजों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो दुखी होने वाली चीजें नहीं थी, लेकिन उस वक्त हुआ था। जैसे मैंने गुरुदेव पहले भी कहा ना कि लोगों को तो हम बोलते हैं कि खुश रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब ये चीजें अपने ऊपर आती हैं तो आदमी उन सब चीजों को भूल जाता है। तो गुरुदेव एक सफल जीवन के मायने क्या है, एक सफल व्यक्ति कौन होता है? भाई दुख व्यक्ति को जीवन में गहराई देती है, दुख अनुभव करने से दूसरों का दुख तुम समझ पाते हो, उनके लिए तुम संवेदनशील हो जाओगे, ताकि आप क्यों खुद ही दुख अनुभव किया ना तो दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं हम, तो इसलिए दुख भी जीवन में एक तरह की गहराई देती है, और खुशी हमको एक तरह का एक्सपेंशन दे देती है, माने एक विशालता खुशी में मिलती है, तो
तो दुख में गहराई मिलती है। मुझे एक सफल व्यक्ति का लक्षण क्या है ये पूछ रहे हो ना तुम, मतलब बीबी खूब डांटे झगड़ा के तब भी मुस्कुराते रहे वो सफल। नहीं देख, सब मुस्कुराते जब सब ठीक चलता मुस्कुराने वाले तो लाखों होंगे, मगर जब सब काम बिगड़े तब भी हिम्मत कोई हारे नहीं मुस्कुराते रहे, मैं उनको कहूंगा सफल व्यक्ति। बिल्कुल सही कह रही हूँ। जैसे ना एक छोटी बच्ची थी गुर्जर, मेरे दोस्त की बेटी है, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैं गुरु जी से बात करने वाला हूँ, तो उसने बड़ा बच्चों वाला ही सवाल पूछा, लेकिन वो सवाल बड़ा रेलेवेंट है गुरु जी। उसने कहा कि आप गुरु जी से पूछना जो लूडो होती है, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ गुरु जी, पता नहीं आपने कभी लूडो खेला है बचपन में या नहीं, तो 1 से 100 नंबर तक उसको खेलते हैं और उसको उस पर हमने 100 तक पहुंचना होता है, 97 पहुंचो, 98 99 पे ना गुरुदेव सांप रहता है, अगर वो सांप दस लेता है तो वापस छोटी जो है 0 पे आ जाती है। और ये क्वेश्चन मुझे बच्चों वाला तो था ही, लेकिन बड़ा रेलेवेंट भी लगा। जिंदगी में हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे सब कुछ सही चल रहा है, लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन एन मौके पे ऐसा जरूर कुछ होता है कि लगता है कि यार ओहो ये क्यों हो गया, जिस समय हम उस चरम सीमा पे होते हैं हमें लगता है कि अब सब ठीक है, फिर ऐसे मौके पे ऐसा क्यों होता है? मेरे को ऐसा लगता था कि शायद ईश्वर ये आपको ईश्वर एहसास कराता है कि तुम ईश्वर नहीं हो, ईश्वर मैं ही हूँ, तो शायद ईश्वर ये एहसास कराता है। जैसे गुरुदेव मेरे जब पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बाद मेरी रोजी रोटी चलनी शुरू हुई 2007 में, तो 2004 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुए, और तो 2007 में जब मैं पैसा थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिया कि जैसे सपोज हमारे घर के जो हालात थे और हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, सपोज अगर हमारा 20,000 में घर चलता था तो 1,00,000 रुपए कमाना शुरू हो गया, तो वो चिंताएं सब ठीक हो गई। फिर मुझे ये लगने लगा कि काश मेरे पिताजी होते तो ये सब चीजें वो देखते हैं, हालांकि ये मुझे पता है कि ये व्यर्थ है इन बातों को दिमाग में लाना। पर जो मैंने अभी गुरुदेव आपसे पूछा कि कभी कभी जब लगता है कि सब सही चल रहा है, उसी वक्त ऐसा क्यों होता है कि ऐसा क्यों होता है नो, उसी वक्त हमको एक प्रकृति कुदरत याद दिलाती है तुम कंट्रोल में नहीं हो, नहीं तो हमको लगता हम सब कंट्रोल में हैं, हमने सब कर लिया है। ऐसे ऐसे मौके पर हमको एक विजन मिलता है, अरे मैं नहीं कंट्रोल में हूँ, कोई और शक्ति है, कोई और ताकत है, तो उसको याद करने का वो समय हो जाता है इस वक्त। जी गुरुदेव, अच्छा गुरुदेव एक बहुत ही पर्सनल सवाल है मेरी जिंदगी को लेकर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या मेरी लाइफ में तो अक्षय कुमार है वो कहते हैं, तो वो बात है और अल्लाह की उनकी बात सही भी है, सुबह उठते हैं बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव मुझे रात बहुत अच्छी लगती है, मैं रात को जगता हूँ तो मुझे लगता है कि अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल क्वेश्चन है गुरुदेव, मैं दुनिया के विपरीत जाके नहीं सोच सकता है, बट रात को जब सोच मेरी शायद सोचने की शक्ति बढ़ जाती है ऐसा मुझे लगता है गुरुदेव, आप निश्चिंत रहो, किसी किसी को नाइट शिफ्ट अच्छा लगता है, किसी किसी को डे शिफ्ट कोई टेंशन नहीं है, मगर जब भी उठते हो, जब भी विश्राम करके उठते हो, उस वक्त थोड़ी देर बैठ के कुछ मनन किया, चिंतन किया, ध्यान किया, 10 मिनट सही, इसको मैं कहता हूँ मेंटल हाइजीन, उठ के तुरंत काम में लग जाना नहीं, उठने के बाद कोई 10 मिनट बैठ के अपने आप को देखा, अपने आप को परखा, ये अच्छा होता है। ये सुबह करे या दोपहर में करे, कभी भी जब भी हमको सुविधा लगे तब करना चाहिए, आत्म मंथन, आत्म चिंतन। फिर उससे दिन भर तुम्हारा उत्साह जो है ना बना रहेगा, उससे क्रिएटिविटी, कई लोगों को रात को जागती है वो ठीक है, ऐसा कोई गलत नहीं है। जी गुरुदेव, मैं ना एक दिन, मैं इंग्लिश मेरी बड़ी वीक है गुरुदेव, तो मैं बहुत कम ही देखता हूँ इंग्लिश चैनल्स, और पर फिर भी अभी काफी सुधर गई है गुरुदेव, तो मैं एक इंग्लिश न्यूज चैनल देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, अमेरिका किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, इटली कैसे कर रहा है, उनके डॉक्टर्स कैसे कर रहे हैं। एक जब इंडिया की न्यूज आई तो वो जो इंग्लिश में न्यूज एंकर जो बोल रही थी वो सुन के मुझे हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि हमारी क्या छाप जा रही है वर्ल्ड लेवल पे। वो बोल रही थी इंडिया इज कंट्रोलिंग कोरोना इन अ डिफरेंट वे,
पुलिस इज आस्किंग पीपल टू डू स्क्वाट्स एंड पुशअप्स ऑन द रोड, हालांकि उसको ये नहीं पता था कि पुलिस डंड बैठ के निकलवा रही है. तो मतलब ये बात अभी हंसी भी आती है देख के, पर फिर एट द सेम टाइम भी लगता है कि यार हमारे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे. फिर मैं ये भी खुद ही अपने मन से सवाल करता रहता हूँ, खुद ही जवाब देता रहता हूँ. पर एनीवेज गुरुदेव, ये जो डिबेट है ये तो कभी खत्म होने वाली नहीं है. बहुत सारे सवाल है मन में गुरुदेव, लेकिन आपने इतना समय दिया गुरुदेव आज. मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ गुरुदेव कि आपसे आज इतनी देर लंबी बातचीत हुई. बस गुरुदेव एक 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 लास्ट क्वेश्चन तो नहीं मैं इसको कहूंगा अपनी जिंदगी का, क्योंकि बहुत सारे सवाल है. मैं आश्रम भी आऊंगा आपसे गुरुदेव, कभी समय मिला आपके पास जब भी मौका मिला. गुरुदेव लोग कहते हैं ना कि भगवान, जैसे बचपन में हम सुनते थे भगवान तो जी स्वर्ग में रहते हैं, तो हमारे दादा दादी ऊपर देख के कभी प्रे करते थे. कोई कहता है मंदिर में रहते हैं, कोई कहता है व्रत रखो तो भगवान मिलते हैं. गुरुदेव असल में भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ लोग कहते हैं नेचर है वही भगवान है, पर सच क्या है गुरुदेव? ईश्वर प्रेम है, वो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है. भगवान तुम्हारे दिल में है, प्रेम ही ईश्वर है. अस्ति बाति प्रीति कहते हैं, वो है, वो भासता है और वो प्रेम है. और वैसे तुम देखोगे तो पूरे प्रकृति में ईश्वर ही है. लोग कहते हैं यहाँ खुदा नज़र नहीं आता, आप हमसे पूछोगे तो मैं कहूँगा खुदा के सिवा कुछ नज़र नहीं आता. क्या बात है, बिल्कुल ये नज़र नज़र के ऊपर है, नज़र नज़र के ऊपर है, बिल्कुल गुरुदेव. और थैंक यू सो मच गुरुदेव, इतनी ज्ञानवर्धक बातें जो आपने बताई, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपसे सीखा है आपसे बातें करके उसको अपने जीवन में जो है इम्प्लीमेंट करके अपना जिंदगी और खूबसूरत बना सके हम लोग, और जितने भी दर्शक इस समय सुन रहे होंगे सबको बहुत लाभ मिलेगा गुरुदेव. सो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी. बहुत अच्छा कपिल, आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे आप हमारा, और बस हम आपकी सेना है गुरु जी. आप हुक्म करते रहे कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिनके ऊपर काम होने वाला है, जिनको ठीक करना है, बस आपका मार्गदर्शन मिलता रहे. तो हम भी आपकी फौज है गुरुदेव, हम लगे रहेंगे, बस आपके मार्गदर्शन जो उसकी जरूरत है. आप भी सही, आप स्वस्थ रहिए, और ऐसे लोगों को आप भी हंसते रहो और सबको हंसाते रहो. थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच.